हाय दोस्तों, मैं हूं ताहिर। मैं आज आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जो टाटा की BS4 जो गाड़ियां आ रही हैं BS4, BS6 और 25-18, 31-18, 37-18, जिसमें भी यूरिया का सिस्टम है, जिसमें यूरिया काम में आता है, तो उन गाड़ियों के लिए मेरा आज का वीडियो है कि यूरिया सिस्टम कैसे काम करता है, एनोनॉक्स सेंसर कैसे काम करता है और ये यूरिया चलने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे नॉक्स सेंसर काम करता है, कैसे यूरिया कब स्प्रे करता है, नोजल क्या होती है, वायरिंग क्या होती है। तो मैं आज के वीडियो में आपको इन सब के बारे में जानकारी दूंगा और आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिलेगी वायरिंग के बारे में और डोजर यूनिट के बारे में। तो दोस्तों, ये है टाटा की BS4 और 6 गाड़ियाँ, जो कि इनमें यूरिया का सिस्टम आता है, आप सभी जानते होंगे। और ये देखिए, ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है। इस कवर पर सभी फ्यूज़ के बारे में लिखा होता है कि कौन सा फ्यूज़ किसका है, तो ये कवर पे सभी हाईलाइट किए होते हैं। अगर कोई फ्यूज़ अपना चेक करना हो तो जिस भी जैसी प्रॉब्लम हो तो आप इस पे पढ़कर अपना प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। ये इस तरीके से इसका फ्यूज़ बॉक्स होता है दोस्तों। ये सभी रिले हेडलाइट के, हॉर्न के, जो भी रिले होते हैं, ये सभी इसी में लगे होते हैं और ये सभी फ्यूज़ इन्हीं कनेक्शनों के होते हैं। इनमें सब में पॉजिटिव ही चलता है, तो अगर कभी आपको ऐसा फ्यूज देखना हो तो इस कवर पर पढ़ें, अपने जैसा भी फ्यूज़ आपको देखना है वो उस पर पढ़कर उस नंबर से उस कॉलम में देखकर आप उस फ्यूज़ को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको आधी जानकारी तो इस प्रकार से मिल जाती है कि हम फ्यूज़ को देखकर। अब इस गाड़ी में दिक्कत ये हो रही थी दोस्तों कि इसमें ड्राइवर ये कह रहा था कि भैया गाड़ी ताकत नहीं कर रही है। तो हमने इसको चेक की तो भैया मैंने उसका यूरिया मीटर देखा तो वो मुझको फुल नज़र आया। तो मैंने ड्राइवर से पूछा, भैया फ्यूल ये मीटर डाउन नहीं होता है? तो उसने कहा ये तो नहीं डाउन हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है यूरिया नहीं चल रहा हो, तो ये सबसे पहले हमने इसकी यूरिया नोज़ल को निकाल कर देखा। तो इसको गाड़ी को स्टार्ट किया, फिर ये यूरिया नोज़ल को बाहर निकाला, चेक किया, तो इसमें दोस्तों यूरिया स्प्रे नहीं हो रहा था। तो हमारा डाउट बिल्कुल सही निकला था कि भैया यूरिया इसमें नहीं चल रहा है। तो हमने फिर ये निकाल के चेक किया तो इसमें यूरिया नहीं आ रहा था। तो फिर इसमें हाथ लगाकर मैंने चेक किया तो इसमें सिर्फ एयर ही आ रही थी, यूरिया नहीं आ रहा था। तो फिर हमने इसको टेम्परेचर दे के, गाड़ी को ज़्यादा गर्म कर और इसको ज़्यादा टेम्परेचर रख कर और इसका धुआँ भी चेक करा कि भैया धुआँ कैसा देती है गाड़ी। तो धुआँ वगैरह तो बिल्कुल सही था दोस्तों। तो हमको पता चल चुका था कि भैया ये यूरिया नहीं काम कर रहा है, मतलब कि यूरिया इस पर नहीं हो रहा है, इस वजह से ये गाड़ी ताकत नहीं कर रही है। तो ये देखो दोस्तों, ये नोज़ल कितनी काली हो चुकी है, इस पर कितना डस्ट हो चुका है, ये देखिए। मैंने आपको बताने के लिए दोस्तों इस डब्बे में पानी भरा और इस नोज़ल को अंदर डालकर मैंने चेक किया तो ये सिर्फ इसमें देखो ये एयर आ रही है। तो आपको ये भी पता चल चुका होगा कि इस यूरिया के साथ इसके साथ एयर सिस्टम भी होता है, एयर भी इसके साथ चलती है। और ये आप देख रहे हैं, ये है नॉक्स सेंसर। अब नॉक्स सेंसर का काम क्या होता है दोस्तों कि ये इसके अंदर जो गैस होती है साइलेंसर के अंदर, तो उसको ये कितना उसका टेम्परेचर है, हाई है, लो है, इसका पूरा मेजरमेंट ये ACM को देता है।
तो हाई डाटा और लो डाटा दोनों का हिसाब ये एसीएम को बताता है। तो ये जब एसीएम को ये बताता है भैया कि इसका हाई डाटा हो चुका है तो अब इसे यूरिया की ज़रूरत है, तो एसीएम को जब ये सिग्नल देता है तो एसीएम क्या करता है, डोजर यूनिट को एक्टिव करता है। डोजर यूनिट को एक्टिव करता है तो डोजर यूनिट के सब फंक्शन काम करने लग जाते हैं, और फिर क्या होता है कि डोजर यूनिट से स्प्रे यूरिया चलने लग जाता है और नोज़ल के थ्रू इसमें स्प्रे करने लग जाता है। तो इस नॉक सेंसर का काम यही होता है दोस्तों कि ये सिग्नल देता है, हाई लो का हाई लो डाटा सिग्नल एसीएम को देता है, और एसीएम उस डोजर को एक्टिव करता है और उसका फंक्शन चालू करता है और वो यूरिया सप्लाई करने लग जाता है। तो इसका सिस्टम ऐसा ही चलता है, जब जब वापस लो हो जाता है गैस अंदर साइलेंसर में तो ये सिग्नल दे देता है एसीएम को कि भाई अभी ज़रूरत नहीं है यूरिया की, तो एसीएम उस डोजर को बंद कर देता है। तो इसका काम यही होता है दोस्तों कि इसको सिग्नल पहुंचाना। ये जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये साइलेंसर के ऊपर चेचिस में ही टाइट हुआ था, तो हमने इसको बोल्ट लगे हुए थे 13 नंबर के, तो उससे हमने इसको 13 नंबर बोल्ट खोल कर इसको बाहर निकाल लिया। अब ये यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक काम करें दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत प्लास्टिक का होता है तो ये धूल मिट्टी काफ़ी लगी होती है, तो ये हमने हाइड्रोलिक डालकर इसको थोड़ा डाल दिया हाइड्रोलिक इसके ऊपर, ताकि क्या है कि इसमें कार्बन वगैरह धूल मिट्टी हो तो वो लूज़ हो जाए और लोक वगैरह आसानी से निकल जाए। तो अब ये देखिए इसकी लोक ये हम टेस्टर के द्वारा निकाल रहे हैं, तो इसको बड़ी बड़ी ही मोहब्बत से इसको निकालें दोस्तों, नहीं तो ये लोक टूट जाती है। तो इस प्रकार से जैसे हम निकाल रहे हैं, तो आप भी बड़ी किसी पेचकस की सहायता से या किसी भी आपके जैसा समझ में आए उस तरीके से इस लोक को बड़ी धीरज से निकालें और बड़ा ध्यान रखें इसका, क्योंकि ये हार्ड होती है और ज़रा सा भी कुछ बांका टेढ़ा करने से ये लोक टूट जाती है दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं कि ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से ये लोक ऊपर आ जाती है और ये सॉकेट बाहर आ जाता है। तो आप बड़ा ध्यानपूर्वक काम करें दोस्तों, कभी भी अगर इसका काम आपको पड़े तो इसका बहुत ध्यान रखें, वायर टूटने का भी खतरा रहता है, अगर हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो ये इसके वायर भी टूट जाते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें 4 वायर होते हैं नॉक सेंसर से में सप्लाई में, एक होता है ये पीले पे ग्रीन धारी, एक होता है पीला, एक होता है हरा और एक होता है ब्राउन। तो दोस्तों ये जो पीले पे हरी धारी है इसमें आ जाता है 24 वोल्ट पॉजिटिव है पॉजिटिव करंट, इसमें एक रिले द्वारा करंट दिया भी यहाँ पर भेजा जाता है डायरेक्ट, ये एसीएम से शायद नहीं होता है, ये डायरेक्ट करंट आ जाता है यहाँ पे दोस्तों। और बाकी पीला जो होता है वो वायर होता है हमारा हाई डाटा लिंक का, इसमें 3 वोल्ट आते हैं, और ग्रीन जो वायर है वो होता है लो डाटा का, तो उसमें करीब 2-1.5 वोल्ट ऐसा कुछ आते हैं दोस्तों। और ब्राउन जो होता है वो हमारा अर्थ का वायर होता है। तो और जो आपको मैंने बता ही दिया वो पीला ग्रीन वाला उसमें पॉजिटिव होता है, मेन होता है वो मेन सप्लाई का होता है, तो उसमें आप ऐसे वायर जो आपके पास अगर लैंप हो तो आप इसमें वायर लगा के डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं, और मल्टीमीटर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप मल्टीमीटर से सभी का डाटा ले सकते हैं कि भैया इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से आप इसकी सप्लाई को चेक कर सकते हैं दोस्तों, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये हमारी वायरिंग सही है। ये मैंने आपको वैसे यहाँ आपकी साइड में कलर के द्वारा मैंने बता भी रखा है कि किस में कितना वोल्ट आता है और कि ये क्या है क्या है, कि कौन सा कलर का वायर किस में कितना करंट आएगा क्या है, ये मैंने आपको साइड में इस बोर्ड में बता रखा है। और ये नॉक सेंसर यही सेंस करता है अंदर का मेजरमेंट, साइलेंसर के अंदर ये जो लगा होता है तो यही गैस को मेजरमेंट करता है और एसीएम को सिग्नल देता है कि भाई हाई डाटा है लो डाटा है जो भी है, तो ये यहाँ से इसको सेंस करके और एसीएम को सिग्नल भेजता है। ये देखिए इस पे छोटे छोटे से
छेद होते हैं दोस्तों, तो इसी से ये गैस अंदर जाती है और ये सेंस कर लेता है और एसीएम को सिग्नल भेज देता है। इस ये है नॉक सेंसर। तो इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, ये है डोजिंग कपलर। ये डोजिंग का मेन कपलर होता है दोस्तों। और ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये सभी वायर एसीएम J2 कनेक्टर से इसमें आते हैं। तो वैसे मैं आपको साइड में बोर्ड पर बता दूंगा कि कौन सा वायर कहाँ से आता है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको ये गोल सॉकेट के रूप में बताया है, ये इसी तरीके से ये सभी वायर इसमें लगे होते हैं। ये T U V L M P R S, ये सब जो मैंने नंबर लिखे हुए हैं दोस्तों, इसी प्रकार से इस सॉकेट के ऊपर ये ऐसे नंबर लिखे होते हैं। और इसी नंबर जो जो नंबर मैंने लिखे हैं, ये नंबर पे ही वायर लगे होते हैं, बाकी दोस्तों सब खाली होते हैं। ये तकरीबन 11 वायर इसमें लगे होते हैं दोस्तों। और ये इसमें टोटल 20 पॉइंट होते हैं, जिसमें से 11 में वायर लगे होते हैं दोस्तों। तो आप इस बात का ध्यान रखें, और अगर आपको कभी काम पड़े तो ये मेरे जो मैंने मोनोग्राम बना रखा है सॉकेट का, तो इसको देखकर आप वायर को चेक कर सकते हैं। और मैंने जो ये आपको डिस्प्ले पे बता रखा है कि कौन सा वायर किसमें लगेगा, कैसे क्या है, कितने वोल्ट आएंगे, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, मैंने दोस्तों ये सब आपको इस लिस्ट में बता दिया है। तो आप इस प्रकार से अगर ये वायर चेक करना हो तो इस तरीके से कर लें। वैसे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो टी जो लिखा हुआ है दोस्तों, टी पे जो पिंक पर येल्लो लाइन का वायर होता है, ये रिटर्न वायर होता है। और ये J2 कपलर से आता है एसीएम के। ये 57 नंबर जो J2 कपलर 57 नंबर का होता है पॉइंट, उस वहाँ से ये वायर आता है। और उसके बाद ये यू वाला है दोस्तों, ये ब्राउन कलर का वायर है, ये भी रिटर्न वायर है J2 का। ये J2 पे 2 नंबर से आता है दोस्तों। और ये वी वी वाला वायर आता है दोस्तों रेड पर येल्लो लाइन होगी दोस्तों, तो आप ये भी रिटर्न वायर है और ये भी J2 कनेक्टर से 67 नंबर से ये दोस्तों आता है, रेड पर येल्लो वी वाला, तो ये 66 नंबर से आता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये एल वाला है दोस्तों, तो एल वाला आता है ब्लैक पर ग्रीन लाइन, तो ये इनपुट वायर है, इसमें आता है 5 वोल्ट और ये सिग्नल वायर है। और ये आता है ये J2 कनेक्टर से 48 नंबर से ये वायर आता है दोस्तों। और एम जो एम लिखा हुआ है दोस्तों इसके ऊपर, ये एम वाला वायर होता है ग्रीन पर ब्लैक लाइन का, ये भी आउटपुट सिग्नल है, इसमें आता है 3 वोल्ट और ये J2 कनेक्टर से 74 नंबर से ये आता है दोस्तों। और फिर है पी पी वाला होता है ऑरेंज पर रेड कलर, तो ये इसमें आता है दोस्तों 5 वोल्ट DC करंट इसमें आता है। और ये J2 कनेक्टर से 22 नंबर से आता है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। और फिर ये R वाला जो वायर होता है दोस्तों, ये ग्रीन पर ब्लू लाइन होती है, ये इनपुट सिग्नल वायर है और ये J272 से आता है। तो इस प्रकार आपको अच्छी जानकारी मिलेगी दोस्तों। और बाकी ये मैंने आपको बता ही रखा था, तो आप उस प्रकार से देख लें। और ये देखो दोस्तों, ये डोजर यूनिट है, तो ये डोजर यूनिट में कभी बहुत सारे चीज़ें लगी होती है दोस्तों, तो इसमें एयर पाइप वगैरह सब लगी होती है। इसमें काफ़ी चीज़ें लगती हैं, जैसे एयर पाइप लगती है, यूरिया की पाइप लगती है, मोटर लगती है, और एयर असिस्ट वाल्व लगता है, और रिटर्न वाल्व सोलनेट लगता है दोस्तों, और काफ़ी इसमें चीज़ें लगती है, जो यूरिया प्रेशर सेंसर लगता है दोस्तों, प्रेशर सेंसर लगता है दोस्तों, मिक्सिंग सेंसर लगता है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यही गेज में जो अपने मीटर अपने देखते हैं, यही गेज इसी द्वारा बताया जाता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, आप होप के आपको ये वीडियो
अच्छा लगा, और इससे अगर आपको कभी कोई काम पड़े तो इसमें देखकर आप अपना काम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा